हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। प्रैक्टिकल कैसे लिखें, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, तो ये वीडियो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पेपर का क्रोमेटोग्राफी गिवन है, और एमएससी में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल्स सारे क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई दी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन दी गिवन मिक्सचर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ तक आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, एंड रिपोर्ट दी आर एफ वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई दी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन दी गिवन मिक्सचर बाई पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप एक ही में लिखिएगा, चाहे हिंदी वर्जन लिखिए चाहे इंग्लिश वर्जन लिखिए। अगला हम देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो एक आपको क्रोमेटोग्राफिक जार चाहिए इसके लिए, दूसरा व्हाइट मैम फिल्टर पेपर सीट चाहिए। बहुत जल्द हम इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसा आपका व्हाइट मैम फिल्टर पेपर सीट होता है। अगला आपका कैपिलरी ट्यूब होता है जिसके द्वारा आप डॉट डॉट मार्क करते हैं सारे अमीनो एसिड के मिक्सचर्स को। अगला आपका एयर ओवन होता है जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी जो पेपर्स होता है उसको आप सुखाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमेटोग्राफी का आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें कैसा फिल्टर पेपर आप यूज करते हैं, तो याद रखिएगा व्हाटमैन फिल्टर पेपर चाहिए। अब आपको क्या करता करना होता है, कुछ सोल्यूशंस लेना होता है। सोल्यूशंस आपको क्या करिए, आप कुछ अमीनो एसिड के सैंपल्स ले लीजिए, जो भी आपके अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन ले लीजिए, यलिन है तो यलिन ले लीजिए, स्पार्टिक एसिड है तो स्पार्टिक एसिड ले लीजिए। जरूरी नहीं कि यही लीजिए, ल्यूसिन है तो ल्यूसिन ले लीजिए, आइसोल्यूसिन है तो आइसोल्यूसिन ले लीजिए। कोई भी तीन अमीनो एसिड लेके और उसको क्या करिए, आप मिक्सचर बना लीजिए, यानी मिक्सचर ऑफ ऑल दी थ्री अमीनो एसिड्स। अब अगला जो प्रोसेस है, अगला आपको डेवलपिंग सॉल्वेंट यूज करना रहता है अथवा डेवलपर सॉल्वेंट यूज करना रहता है। तो क्रोमेटोग्राफी, जब पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आप डेवलपिंग सॉल्वेंट कैसे बनाते हैं, तो आपको एन ब्यूटेनॉल लेना होता है, एस्टिक एसिड लेना होता है और वाटर लेना होता है। इन तीनों का रेशियो आप क्या रखते हैं, 4:1:5। कैसे बनाएंगे डेवलपिंग सॉल्वेंट, मिक्स 40 ml ऑफ ब्यूटेनॉल, 10 ml ऑफ ग्लेशियल एस्टिक एसिड एंड 50 ml ऑफ वाटर, स्टीर फॉर 10 मिनट, लेट दी लेयर इज टू सेपरेट, यूज दी अपर लेयर एंड द डेवलपर्स। आप डेवलपर के रूप में यूज करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि आप डेवलपिंग के रूप में क्या क्या यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तो याद रखिएगा एन ब्यूटेनॉल, एस्टिक एसिड, वाटर, 4:1:5 के रेशियो में आप यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम देखेंगे लोकेटिंग सॉल्वेंट, लोकेटिंग सॉल्वेंट अथवा विजुलाइजिंग सॉल्वेंट एजेंट की बात करें तो उसमें यूज किया जाता है निन हाइड्रिन, डिजॉल्व 0.2 ग्राम ऑफ निन हाइड्रिन इन 10 ml ऑफ एन ब्यूटेनॉल। 10 ml ऑफ ब्यूटेनॉल में आपको 0.2 ग्राम निन हाइड्रिन को डिजॉल्व करना है, एड 3 ml ऑफ ग्लेशियल एस्टिक एसिड एंड फिल इन ए स्प्रे बॉटल। और क्या करना है, 3 ml ऑफ ग्लेशियल एस्टिक एसिड को रखना है और उसको एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है। बाद में क्या करते हैं, जब पेपर क्रोमेटोग्राफी सुखाते हैं और उसको उसके ऊपर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं लोकेटिंग एजेंट से। अब इसको भी आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड का सोल्यूशन कैसे बनाएंगे यहाँ पे दिए, इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है कॉपी में। अब हम आते हैं प्रोसीडर, प्रोसीडर यानी विधि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी व्हाटमैन फिल्टर पेपर दिया है यानी क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो आपने लिया है उसका 8x2.5 के साइज में काट लेना है, आयताकार आकार में काट लें। उसके बाद क्या करना है, जो भी अमीनो एसिड का मिक्सचर्स बनाया है, ऑन दी पेपर ड्रा ए बेस लाइन, एक लाइन आप उस पर ड्रा कर लीजिए, डिस्टेंस अबाउट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस नीचे से छोड़ के, मेक 4 क्रॉस ऑन दिस लाइन एट द इक्वल डिस्टेंस एंड लेबल फ्रॉम देम। और ऊपर भी आप अगर प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपके यहाँ बनवाया जाता है ये सारे इक्वल लाइंस की डिस्टेंस बनवाई जाती है। फ्रॉम द बेस लाइन ड्रा अनदर लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी उसकी कुछ दूरी पे 10 सेंटीमीटर की आप डिस्टेंस खींचेंगे। तीसरे पॉइंट में देखें तो जो भी आपका
फिल द क्रोमेटोग्राफिक जार विथ अबाउट 20 ml ऑफ डेवलपिंग सॉल्वेंट। जो क्रोमेटोग्राफिक जार होगा उसमें 20 ml डेवलपिंग सॉल्वेंट डालेंगे और उसको कवर कर देंगे। अगले स्टेप में क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब आपको जो अमीनो एसिड है उसका मिक्सचर्स, जो तीनों अमीनो एसिड को मिक्स किया था आपने, कैपिलरी ट्यूब की सहायता से आपका जो वाटमैन पेपर पेपर है उस पर आप थोड़ा थोड़ा स्पॉट बना लेना है। यानी आप कैपिलरी ट्यूब से उठाएंगे और उसके ऊपर 3 जगह 4 जगह डॉट लगा लेंगे, यही चीज़ दिया है। विद दी हेल्प ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब अप्लाई ए ड्रॉप ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड ऑन दी फर्स्ट मार्क ऑफ पेपर स्ट्रिप एंड ड्राई द स्पॉट। और उस पर क्या कर लेना है, स्पॉट बना देना है और उस स्पॉट को अब क्या करना है, ड्राई कर लेना है, सुखा देना है। अब कभी कभी क्या होता है, आप ड्रायर्स का यूज करते हैं सुखाने के लिए, बहुत लैब में नहीं होता है तो आपको कहा जाता है कि आप धूप में रख के सुखा लीजिए। अगर आपके यहाँ ड्रायर्स नहीं उपलब्ध हैं, कुछ लोग हेयर ड्रायर से भी सुखा लेते हैं, लड़कियाँ तो भाई है ये हेयर ड्रायर वेयर रखती हैं। दी अनदर फ्रेश कैपिलरी एंड प्लेस ड्रॉप दी 3 amino acid ऑन दी अदर 3 cross mark और 3 cross mark लगाएंगे। अगला पॉइंट देखें, नाउ सस्पेंड दी पेपर इन दी क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर विद दी हेल्प ऑफ पेंसिल आर क्लिप विद दी बेस लाइन इन दी लोअर पोजिशन टेकिंग केयर दैट दी बेस लाइन शुड रिमेन ए लिटिल एबव दी लेवल ऑफ दी सॉल्वेंट एंड ऑल्सो दी साइड ऑफ दी पेपर शुड नॉट टच दी जार। यानी जो आपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया उस पर अमीनो एसिड के 3 dots लगाए हैं मिक्सचर्स कैपिलरी ट्यूब के द्वारा, अब उसको क्या करना है, क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में डालना है। और याद रखना है कि जो पेपर हो जार से टच नहीं करना चाहिए। अगली प्रोसेस क्या करना है, कवर दी जार एंड वेट 3 to 4 hours फॉर दी डेवलपिंग सॉल्वेंट टू राइज अप टू दी लाइन 10 cm फ्रॉम बेस लाइन सॉल्वेंट, टेक दी पेपर आउट दी जार एंड मार्क दी सॉल्वेंट। और जो जहाँ तक आपका सॉल्वेंट चढ़ के ऊपर तक गया हो कुछ देर तक, कुछ लोग तो आप देखते हैं 2-4, 10 minutes में ही निकाल लेते हैं सॉल्वेंट के चढ़ने के बाद, कुछ लोग 2-3 घंटे के लिए रख भी देते हैं। तो जहाँ तक आपका सॉल्वेंट गया है उस पॉइंट को आप नोट कर लेते हैं। अब क्या करना है, ऑन दी ड्राइड पेपर स्प्रे दी निन हार्डनिंग सोल्यूशन। जो पेपर ड्राई आपने कर दिया है उस पर क्या करें, जो आपने स्प्रे बॉटल में लोकेटिंग एजेंट रखा था निन हार्डनिंग सोल्यूशन उस पर क्या करना है, स्प्रे करना है। अगेन उसको ड्राई करना है और स्ट्रिप करना है। दी अमीनो एसिड विल अपेयर ए पर्पल कलर्ड स्पॉट्स। जो अमीनो एसिड होगा वो बैगनी कलर के स्पॉट के रूप में दिखाई देने लगेंगे आपको। अगला स्टेप क्या करना है, मेजर दी डिस्टेंस फ्रॉम दी सॉल्वेंट फ्रॉम दी बेस लाइन। जहाँ बेस लाइन से सॉल्वेंट कितनी दूरी तक चढ़ के गया है इसको आपको नोट कर लेना है। सिमिलरली मेजर दी डिस्टेंस ऑफ दी सेंटर ऑफ स्पॉट ऑफ अमीनो एसिड, आपका अमीनो एसिड का स्पॉट जहाँ तक गया है आपको उसको भी नोट डाउन कर लेना है। अगर ये ऑब्जर्वेशन टेबल आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। आप इसके बाद क्या लिखेंगे, इतना आप लिखने के बाद अगला जो आप लिखेंगे, अगला जो पॉइंट आप लिखेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे कि आरएफ वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आरएफ वैल्यू ऑफ एलिन ग्लाइसिन, आरएफ वैल्यू ऑफ ग्लाइसिन लिखेंगे और उसके बाद जितना चढ़ा होगा डिस्टेंस आपका सॉल्वेंट का डिवाइड बाई डिस्टेंस सॉल्यूट का, और उसके बाद आरएफ वैल्यू आप निकाल के कैलकुलेशन में लिखेंगे। हम आप सभी लोगों को जो कैलकुलेशन वाला चार्ट है वो अलग से प्रोवाइड कराएंगे, कल हम इस चार्ट को प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, आप रिजल्ट लिखेंगे, दी आरएफ वैल्यू ऑफ गिवन अमीनो एसिड इज दी, जो भी आपके अमीनो एसिड्स हैं उनकी जो आरएफ वैल्यू आई होगी उस आप वैल्यू को आप लिखेंगे। तो अगर ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं बनाते हैं तब भी ठीक है, आप कैलकुलेशन और रिजल्ट लिख दीजिए, बनाते हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं उससे। यहाँ पे देखिए कुछ आपके अमीनो एसिड हैं उनकी आरएफ वैल्यू दी हुई है। आरएफ वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कभी कभी एग्जामिनर जब आप प्रैक्टिकल्स वाइवा देने जाते हैं तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म आरएफ वैल्यू, अथवा आरएफ वैल्यू को लिखिए। तो याद रखिएगा आर को कैपिटल लिखा जाता है और स्मॉल लिखा जाता है। और एक बार तो क्वेश्चन एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था जो आरएफ वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आरएफ वैल्यू जो 1 होती है वो less than 1 होती है, less than 1 होती है किसी भी अमीनो एसिड की। जो
किसी भी अमीनो एसिड की जो RF वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अभी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।